जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 452 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से 94 मामले जम्मू संभाग से और 358 मामले कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। रियासी जिला के रनसू इलाके में स्थित शिवकोड़ी गुफा के समीप सोमवार शाम को भूस्खलन हुआ। इसमें 2 श्रद्धालुओं के मारे जाने का समाचार है। फिलहाल भूस्खलन की चपेट में आने से कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं, इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। भूस्खलन की चपेट में आने से मारे गए 2 श्रद्धालुओं की पहचान हो गई है। इनमें से 1 श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दूसरा राजौरी जिला का रहने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें बधाई दी और जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य विषयों पर बातचीत भी की। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के जम्मू और डोडा जिलों में आतंकी फंडिंग मामलों में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ कई जगहों पर तलाशी ली। दोनों जिलों के विभिन्न हिस्सों में की जा रही ये छापेमारी लगभग 1 दर्जन से अधिक जगहों पर चल रही ही थी। बताया जा रहा था कि ये ठिकाने JEI के पदाधिकारियों, सदस्यों या फिर इनसे जुड़े लोगों के हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमवार को जम्मू में प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान जो है आपके सीनियर लीडर्स हर्षदेव सिंह और नम्रता शर्मा के द्वारा कहा गया कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दे दे और जिससे कि यहां के लोगों की खुशी दुगनी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंतिम तक जो है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस का बिगुल बजा दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पावर कर्मचारी और इंजीनियरिंग संवे समिति ने सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी विरोध के आह्वान का समर्थन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि इसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि इनसे जो है प्राइवेटाइजेशन जो है सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देगी और जो आम व्यक्ति है या इससे जो रोजगार कमाने वाले हैं उनको काफी हानि होने वाली है। इन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि इसे जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय इसे संसद की ऊर्जा संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ के गाँव नूरकोट में जो की एक सीमावर्ती इलाका है और बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये LOC के समीप बसा हुआ इलाका है। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें भी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय सेना यहाँ पर लगातार अपने कामों का प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। भारतीय सेना की तरफ से सोमवार को सीमावर्ती इलाके में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसके चलते जो है यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुँचा। साथ ही साथ जो है इस दौरान इन्हें फ्री मेडिसिन भी बांटी गयी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला नोडल अधिकारी बांदीपुरा मोहम्मद अशरफ हक की उपस्थिति में जोन हाजिन में मेगा तिरंगा रैली को आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 750 से अधिक छात्रों ने रैली में भाग लिया। इस मेगा रैली में 3 स्कूलों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और साथ ही साथ जो है ये कहीं न कहीं एक कदम था हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का। श्रीनगर में लगातार अगर देखा जाए तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर जो है नकेल कसी जा रही है। उसी को लेकर LCMA की तरफ से जो है सोमवार को भी एक अतिक्रम ड्राइव को चलाया गया। इस दौरान जो है ब्रेन हुलू, बतपोरा, इशे खुरोन मोहल्ला, हाकी मोहल्ला, बगनपोरा मोहल्ला, लाल बाजार, नोपोरा के इलाकों में जो है यहाँ पर गैर बने हुए सभी अतिक्रमों को हटा दिया गया। साथ ही साथ जो है इन्होंने साफ तौर पर इन लोगों को हिदायत दी कि आगे ऐसे कदम न उठाएं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सोमवार को कहा कि प्रदूषण के मामलों में शहरों की रैंकिंग के लिए कई स्थापित तंत्र नहीं है और निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रह डेटा को उचित जमीनी सच्चाई से मान्य नहीं किया जा सकता।